हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास सिक्स का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर लाइट शेडो एंड रिफ्लेक्शन को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो है डिस्कस कर रहे थे। आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन है, क्लासिफाई द ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स गिवन बिलो एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट एंड ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। नीचे दी गई वस्तुओं या सामग्रियों को अपारदर्शी, पारदर्शी या पारभासी और जो है ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस, यानी दीप्त और अदीप्त वस्तुओं में आपको वर्गीकृत करना है। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो है एयर के बारे में यानी वायु के बारे में डिस्कस किया था। इसके बाद हमने वाटर यानी जल के बारे में डिस्कस किया था और अ पीस ऑफ रॉक यानी चट्टान के टुकड़े के बारे में हमने डिस्कस कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट है अ शीट ऑफ एल्यूमिनियम, यानी एल्यूमिनियम की एक शीट या चादर। अगर हम एल्यूमिनियम की शीट की बात करें तो एल्यूमिनियम क्या होता है? एक धातु होता है, ठीक है, धातु होता है। और ये एक कैसी वस्तु है? ये एक अपारदर्शी वस्तु है। अगर हम बात करें एल्यूमिनियम शीट की, तो ये अपना प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, इससे ये अदीप्त वस्तु यानी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होती है। नेक्स्ट है हमारा अ मिरर, यानी एक दर्पण। अब जब हम दर्पण की बात करते हैं तो दर्पण भी ऐसी वस्तु है जिसके आर पार हम नहीं देख सकते, ठीक है। तो यानी ये भी क्या है? एक अपारदर्शी वस्तु है, यानी ओपेक ऑब्जेक्ट। वही अगर हम बात करें दर्पण की, तो दर्पण जो है लाइट यानी प्रकाश भी उत्सर्जित नहीं करता है, इसलिए ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट यानी अदीप्त वस्तु। अगला है आपका अ वुडन बोर्ड, एक लकड़ी का बोर्ड। अब जब हम बात करते हैं लकड़ी की, वुड की, तो वुड भी कैसी वस्तु है? अपारदर्शी वस्तु, और ये भी अपना प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती। तो यानी एक वुडन बोर्ड जो है वो अपारदर्शी वस्तु यानी ओपेक ऑब्जेक्ट है। इसके साथ साथ यह अदीप्त वस्तु भी है क्योंकि ये प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती। अगला है आपका अ शीट ऑफ पॉलिथिन, यानी पॉलिथिन की शीट। तो पॉलिथिन की जो शीट होती है आपने देखी होगी, उससे आप थोड़ा बहुत आर पार देख पाते हैं, यानी उससे थोड़ा बहुत या कुछ क्वांटिटी में लाइट यानी प्रकाश जो है गुजर जाता है, यानी इससे हमें जो है धुंधला धुंधला दिखाई देता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो है एक पारभाषी यानी ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट है। वहीं ये अपना प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, इसलिए यह भी एक अदीप्त वस्तु। अगला है आपका असीरी। तो अगर हम सीढ़ी की बात करें तो सीढ़ी भी कैसी वस्तु है? अपारदर्शी है, ओपेक है। और ये जो है जो आपका सीढ़ी होती है ये प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, यानी ये भी अदीप्त वस्तु। अगला है आपका स्मोक यानी धुआं। अब धुएं की अगर हम बात करते हैं तो धुएं से आपको आर पार धुंधला धुंधला दिखाई देता है, यानी ये कैसी वस्तु है? पारभासी। इसके साथ साथ ये जो है प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करती है, तो यह भी एक अदीप्त वस्तु। अगला है आपका अ शीट ऑफ प्लेन ग्लास, एक कांच की शीट, ठीक है। अब अगर हम कांच की बात करें तो कांच के आर पार आप देख पाते हैं, यानी जो लाइट है प्रकाश जो है वो कांच से गुजर जाता है। तो यानी अगर हम बात करें एक कांच की, तो कांच कैसी वस्तु है? पारदर्शी, क्योंकि हम इसके आर पार देख पाते। इसके साथ साथ ये एक अदीप्त वस्तु है, यानी कि ये प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता।
अगला है हमारा फॉग यानी धुंध। फॉग में भी आपको जो है क्लियर दिखाई नहीं देता है, तो ये भी आपके क्या है, ट्रांसल्यूसेंट यानी पारभासी वस्तु है। इसके साथ साथ ये अपना प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, इसलिए यह भी अदीप्त वस्तु। अगला है हमारा अ पीस ऑफ रेड हॉट आयर। अब हम बात कर रहे हैं एक लोहे के टुकड़े की। लोहे के टुकड़े को आपको आपने गर्म किया, तो हम ये कह सकते हैं कि लोहे का टुकड़ा लाल है, गर्म हो रखा है। इसके आर पार तो हम नहीं देख सकते, यानी ये कैसी वस्तु है, ओपेक ऑब्जेक्ट यानी अपारदर्शी वस्तु। लेकिन क्योंकि ये गर्म है, रेड हो रखा है, लाल रंग का हो रखा है, तो ये क्या कर रहा है, प्रकाश को उत्सर्जित करता है। तो ये आपका एक दीप्त वस्तु यानी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। अगला है आपका एन अम्ब्रेला यानी एक छत। अब हम छाते की बात करें तो छाते के भी आर पार आप नहीं देख सकते, तो ये कैसी वस्तु है, अपारदर्शी यानी ओपेक ऑब्जेक्ट। और ये भी लाइट एमिट नहीं करती है, प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, तो ये भी क्या है, अदीप्त वस्तु। अगला है आपका अलाइटेड फ्लोरेसेंस ट्यूब, जैसे कि आपकी ट्यूबलाइट हो, ठीक है, एक ट्यूब जो जिसपे क्या है, चमकीला है, जो चमकीली लाइट देता है, जैसे कि आपका ट्यूबलाइट हो। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो वस्तु है ये क्या करती है, एक फ्लोरेसेंट यानी चमकीली लाइट प्रकाश उत्सर्जित करती है, यानी ये कैसी वस्तु है, दीप्त वस्तु है। लेकिन इसके आर पार आप नहीं देख सकते हैं, इसलिए यह भी एक अपारदर्शी वस्तु यानी ओपेक ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है अ वॉल यानी एक दीवार। तो दीवार के भी आप आर पार नहीं देख सकते हैं, यह भी प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, तो जो आपकी दीवार होती है यानी वॉल होती है, वह भी क्या है, अदीप्त वस्तु और आपकी ओपेक ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है अ शीट ऑफ कार्बन पेपर, एक कार्बन पेपर की शीट। तो कार्बन पेपर के आर पार भी आप नहीं देख सकते हैं, यह भी प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, तो यह भी आपकी ओपेक ऑब्जेक्ट यानी अपारदर्शी वस्तु है। इसके साथ साथ यह अदीप्त वस्तु भी है, क्योंकि ये प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता। नेक्स्ट है आपका द फ्लेम ऑफ अ गैस बर्नर। आपका जो गैस का चूल्हा होता है, गैस बर्नर होता है, ठीक है, जो आपका गैस स्टोव होता है, उसका जो बर्नर है, ठीक है, उसके बर्नर की जो लौ है, तो आपके जो बर्नर की लौ होती है वो प्रकाश उत्सर्जित करती है, यानी ये क्या है, एक दीप्त वस्तु है और इसके आर पार आप नहीं देख पाते। क्या आप कभी फ्लेम के आर पार देख पाते हैं, लॉ के आर पार देख पाते हैं, नहीं देख पाते, तो यह आपका ओपेक ऑब्जेक्ट यानी अपारदर्शी वस्तु। अगला है आपका अ शीट ऑफ कार्डबोर्ड यानी गत्ता। अगर आपके पास एक गत्ता है, गत्ते की शीट है, तो क्या ये एक अपारदर्शी वस्तु है या पारदर्शी वस्तु है या पारभासी वस्तु है? तो अगर हम कार्डबोर्ड की बात करें, कार्डबोर्ड के आर पार आप नहीं देख पाते हैं, इसलिए यह अपारदर्शी यानी ओपेक ऑब्जेक्ट। इसके साथ साथ यह जो है लाइट यानी प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, इसलिए यह भी क्या है, एक अदीप्त वस्तु। नेक्स्ट है अ लाइटेड टॉर्च यानी एक टॉर्च जिसे आपने जला रखा है, ऑन कर रखा है। तो कोई बच्चा बता सकता है कि जो आपकी टॉर्च होती है जिसे हमने लाइट किया रहता है, जिसका स्विच हमने ऑन कर रखा है, ठीक है, जो कि प्रकाश उत्सर्जित कर रही है, वो कैसी वस्तु होती है, पारदर्शी होती है, अपारदर्शी होती है, पारभाषी होती है, या फिर आपका ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस यानी दीप्त और अदीप्त वस्तु है? क्या कोई बच्चा बता सकता है? जी आई सी कुंभी चौड़। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है? माय नेम इज हेमंत। अच्छा हेमंत बेटा, आप ये बताइए, जो आपकी टॉर्च होती है जिसे आपने ऑन कर रखा है, जिससे प्रकाश उत्सर्जित हो रहा, ऐसी टॉर्च आपकी पारदर्शी होती है, पारभासी होती है, या फिर जो है आपकी ओपेक यानी अपारदर्शी वस्तु होती है? पारदर्शी मैम।
टॉर्च आपकी पारदर्शी वस्तु होती है। क्या आप टॉर्च के आर पार देख पाते हैं? कोई नहीं बेटा, कोई और आंसर देना चाहता है? अब बैठ जाइए, कोई और आंसर देना चाहता है तो हाथ खड़ा कीजिए। हाँ जी, मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बेटा। हाँ जी, आपका नाम क्या है? माय नेम इज रिहान। रिहान, यस मैम। ठीक है बेटा, आप बताइए कि जो टॉर्च होती है वो पारदर्शी है, पारदर्शी है कि पारभाषी वस्तु? मैं पारदर्शी। पारदर्शी, वेरी गुड। और अगर हम ये बोले कि आपकी टॉर्च ऑन है, ठीक है, लाइट दे रही है, लाइट एमिट कर रही है, प्रकाश उत्सर्जित कर रही है, तो वो एक दीप्त वस्तु है या अदीप्त वस्तु है? अदीप्त वस्तु। अदीप्त वस्तु, दीप्त वस्तु। अच्छा, दीप्त वस्तु, दीप्त या अदीप्त है या दीप्त वस्तु है? वेरी गुड, दीप्त वस्तु है, दीप्त वस्तु। कोई नहीं, बोलिए बेटा, आपको जो आता है आप बोलिए, मैं आपको ठीक कर दूंगी। अगर आपने गलत बोला तो करूंगी। बताइए, आप टॉर्च ऑन कर रखी है, उससे लाइट उत्सर्जित हो रही है, प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है, वो आपकी दीप्त वस्तु है। क्यों है दीप्त वस्तु? क्योंकि इसके अंदर देख नहीं सकते, क्योंकि इसके पास। अच्छा, तो बेटा अगर मैं आपको बोलूं दीप्त वस्तु, तो दीप्त वस्तु का अर्थ ये होता है कि वह वस्तु जो लाइट यानी प्रकाश को उत्सर्जित करती है। जैसे आपका टॉर्च होता है, जब आप टॉर्च को ऑन करते हैं तो लाइट एमिट होती है ना, प्रकाश उत्सर्जित होती है, आप चीजों को देख पाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जैसे आपका बल्ब होता है, बल्ब को आप ऑन करते हैं तो क्या होता है, कमरे में प्रकाश हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि जो आपका बल्ब है वो क्या करता है, प्रकाश को उत्सर्जित करता है, लाइट को एमिट करता है। तो ऐसी वस्तु जो प्रकाश को उत्सर्जित करती है, ऐसी वस्तुओं को हम दीप्त वस्तु यानी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। और वह वस्तु जैसे कि आपका चेयर हो गई, ठीक है, आपका पेन हो गया, उससे लाइट एमिट होती है, प्रकाश उत्सर्जित होता है, नहीं होता है ना? अगर आप किसी अंधेरे कमरे में चेयर को रख दे तो क्या चेयर लाइट देती है? आप क्या उसके आसपास देख पाते? नहीं देख पाते। तो वो कैसी वस्तु है? अदीप्त वस्तु। वह वस्तु जो लाइट को, प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करती है, उनको हम अदीप्त वस्तु कहते हैं। और अगर हम टॉर्च की बात करें, टॉर्च के लिए आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वह एक दीप्त वस्तु है, क्योंकि हमने टॉर्च को ऑन करके रखा। कंडीशन क्या दे रखी है कि टॉर्च ऑन है, टॉर्च ऑन है यानी वो प्रकाश उत्सर्जित कर, और हम टॉर्च के आर पार नहीं देख पाते, टॉर्च के आर पार लाइट गुजर नहीं पाती, इसलिए टॉर्च आपकी अपारदर्शी वस्तु। ठीक है बेटा, वेरी गुड, आपने आंसर दिया, वेरी गुड। सब क्लैपिंग बजाएंगे, तालियां बजाएंगे सब, वेरी गुड बेटा, बैठ जाइए। नेक्स्ट है आपका अ शीट ऑफ सेलोफिन। अब अगर हम सेलोफिन शीट की बात करें, तो जो आपके सेलोफिन की शीट होती है वो कैसी होती है? ट्रांसपेरेंट होती है, ठीक है, उसके आर पार आप देख पाते हैं। तो जो आपकी सेलोफिन की शीट होती है वो कैसी होती है? एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट यानी पारदर्शी वस्तु है। इसके साथ साथ यह प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करती है, लाइट को एमिट नहीं करती है, इसलिए यह भी एक अदीप्त वस्तु है। अगला है आपका अ वायर मेश यानी तार का जो है गुच्छा। अगर हम तार की बात करें तो तार के भी आप आर पार नहीं देख सकते, ठीक है, तार का आपके पास बहुत बड़ा गुच्छा है, उसके आर पार आप नहीं देख सकते, ठीक है, और ना ही वो प्रकाश उत्सर्जित करता है, लाइट एमिट करता है, इसलिए जो आपका वायर मेश है ये कैसी वस्तु है? अपारदर्शी वस्तु, यानी जो है ये ओपेक ऑब्जेक्ट है, और इसके साथ साथ ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, यानी यह एक अदीप्त वस्तु है। अगला है आपका केरोसिन स्टोव यानी मट्टी तेल का जो स्टोव होता है उसकी बात करेंगे। तो कोई बच्चा बता सकता है कि आप मट्टी तेल का जो स्टोव होता है उसके वो एक पारदर्शी है, ठीक है, अपारदर्शी है या पारभासी है, ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसल्यूसेंट है या ओपेक ऑब्जेक्ट? कोई बच्चा बता सकता है? अपारदर्शी। वेरी गुड बेटा, आपका नाम क्या है? हेमंत। वेरी गुड हेमंत, वेरी गुड, आपने दोबारा आंसर दिया, वेरी गुड बेटा, सब क्लैपिंग बजाएंगे।
और आप ये भी बताइए कि यह दीप्त वस्तु है या अदीप्त है। आपको यहाँ पे दिया गया है सिंपल कि जो आपके पास है एक मट्टी तेल का स्टोव है, ये नहीं दिया गया है कि वो जला हुआ है और मतलब उसे लाइट कर रखा है या नहीं कर रखा है। आपको एक मट्टी तेल का स्टोव दिया गया है, यहाँ एक दीप्त वस्तु है या अदीप्त। अदीप। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेल डन। आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन के आंसर दे रहे हो, वेरी गुड। सब तालियां बजाएंगे हेमंत के लिए। नेक्स्ट है आपका सन यानी सूर्य। तो कोई बच्चा बता सकता है कि सूर्य कैसी वस्तु है, पारदर्शी है, अपारदर्शी है या पारभासी है। और दूसरा आपकी कैटेगरी है दीप्त और अदीप्त, यानी ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, ओपेक या फिर जो है ये आपकी एक दीप्त वस्तु है और अदीप्त वस्तु। कोई बच्चा बता सकता है? टीआईसी कुंभी शोर, कोई एक बच्चा खड़े होकर आंसर दीजिए। हेमंत के अलावा कोई और दीजिए आपकी बार आंसर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है? नदीम। ठीक है नदीम बेटा, आप बताइए जो आपका सूर्य होता है या सन होता है कैसी वस्तु है, पारदर्शी है, अपारदर्शी है या पारभासी है? मैम अपारदर्शी। वेरी गुड। और यहाँ पे अदीप्त है? मैम दीप्त। ओके वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। नदीम के लिए सब तालियां बजाएंगे, वेरी गुड, बैठ जाइए। तो अगर हम सूर्य की बात करें, सन की बात करें, तो सन कैसा है, इसके आर पार आप नहीं देख सकते, तो यानी ये एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, यानी अपारदर्शी वस्तु है। लेकिन यह क्या करता है, लाइट को एमिट करता है, प्रकाश को उत्सर्जित करता है, इसलिए हम यह कह सकते हैं कि ये क्या है, एक दीप्त वस्तु है। नेक्स्ट है आपका फायरफ्लाई। फायरफ्लाई यानी जुगनू। ठीक है, तो जुगनू जो होता है, जुगनू की अगर हम बात करें तो जुगनू कैसी वस्तु है, यह एक अपारदर्शी वस्तु है क्योंकि इसके आर पार आप नहीं देख पाएंगे। वहीं आप ये जानते हैं कि जुगनू से आपने जुगनू देखा होगा, जुगनू क्या करता है, प्रकाश को उत्सर्जित कर आपको लाइट दिखती है, उस जुगनू पे आपको लाइट दिखाई देती है, यानी यह भी एक क्या है, दीप्त वस्तु। नेक्स्ट है आपका मून यानी चंद्रमा। अब अगर हम चंद्रमा की बात करें, मून की बात करें, तो मून क्या है, एक मून भी, मून क्या है एक। ठीक है जी, ऐसे कुंभी चौर, कोई एक बच्चा खड़े होकर आंसर दीजिए, जिन्होंने आंसर दिया उनके अलावा कोई और बच्चा। गुड मॉर्निंग मैम। बोलिए बेटा। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है? मानसी। मानसी बेटा, आप बताइए कि जो चंद्रमा है, मून है, कैसी वस्तु है, अदीप्त है? और नेक्स्ट आपका, अच्छा नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि ये ट्रांसपेरेंट है यानी पारदर्शी है, पारभासी है, या फिर आपकी ओपेक यानी अपारदर्शी वस्तु है। कौन सी वस्तु है आपकी? अपारदर्शी। बेटा अपारदर्शी, बिल्कुल ठीक है। और दीप्त है या अदीप्त है? अदीप्त। वेरी गुड, बैठ जाइए आप, वेरी गुड। सब क्लैपिंग बजाएंगे मानसी के लिए, वेरी गुड बेटा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि रात को आपको चंद्रमा तो लाइट एमिट करता हुआ यानी प्रकाश उत्सर्जित करता हुआ दिखाई देता है, तो यह अदीप्त में क्यों आए? क्योंकि जो चंद्रमा है वो अपना प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। हमें चंद्रमा जो है दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है, क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश को रिफ्लेक्ट करके हमें, हम पे आता है, यानी ये क्या होता है, ये सूर्य का जो प्रकाश है उसके परावर्तन के कारण हमें दिखाई देता है और हमें ऐसा लगता है जैसे कि ये लाइट एमिट कर रहा है, लेकिन ये प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि क्या है, ये एक सैटेलाइट, ये आपका एक उपग्रह है, तो इसकी खुद की लाइट नहीं होती। तो इस तरीके से आप जो है टेबल बनाएंगे और टेबल बना के इस तरीके से आप पूरा का पूरा जो है अपना सारे वस्तुओं के नाम लिखेंगे, ओपेक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस लिखेंगे और फिर अपनी वस्तुओं के अकॉर्डिंग इसमें इस तरीके से जो है टिक लगा।
हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है, कैन यू थिंक ऑफ क्रिएटिंग अ शेप दैट वुड गिव अ सर्कुलर शेडो इफ हेल्ड इन वन वे एंड अ रेक्टेंगुलर शेडो इफ हेल्ड इन अनदर वे। क्या आप ऐसी आकृति बनाने के बारे में सोच सकते हैं जिसे एक तरफ से पकड़ने पर हमें गोलाकार छाया यानी वृत्त छाया आपको प्राप्त होती है, सर्कुलर छाया आपको प्राप्त होगी, वहीं दूसरी तरफ से आपको आयताकार छाया प्राप्त हो। एक तरफ से सर्कुलर, दूसरी तरफ से रेक्टेंगुलर, यानी एक तरफ से गोलाकार या वृत्ताकार और दूसरी तरफ से आयताकार। आपको ऐसी शेप के बारे में बता। तो हमारे पास जो आपका सिलेंडर होता है यानी बेलन होता है, आपको पता होगा बेलन का आकार कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, ये आपका क्या है, बेलन है। अब अगर आप जो है यहां से लाइट को, जैसे यहाँ पे आपने कोई टॉर्च रख दी, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे फिगर में, ठीक है, आपके पास क्या है, सिलेंडर है। पहले आपने सिलेंडर को ऐसे रख, ये आपका क्या है, सिलेंडर है। अब जो इसका जो सर्कुलर एंड है, ठीक है, जो इसका जो सिरा है जो कैसा है, वृत्ताकार, वहां पे अगर आपने उसकी तरफ को आपने क्या करा, यहाँ पे जो है बल्ब रख दिया या टॉर्च रख, तो इसकी जो छाया हमें प्राप्त होगी स्क्रीन पे वो आपकी कुछ इस तरीके की होगी, सर्कुलर हो। वहीं अगर आप सिलेंडर को इस तरीके से जो है खड़ा करके रख देते हैं, ठीक है, लेटा के नहीं रखते, खड़ा कर देते हैं, और इस तरीके से आप यहाँ पे टॉर्च रखते हैं या कोई बल्ब रखते हैं और इसकी छाया बनाते हैं, तो स्क्रीन में आपको इसकी छाया जो है रेक्टेंगुलर यानी आयताकार प्राप्त हो। यानी सिलेंडर एक ऐसा आकार है जिससे आपको आयताकार यानी रेक्टेंगुलर और गोलाकार या वृत्ताकार जो है छाया प्राप्त हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका सिलेंडर। अब इसका आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, यस देयर आर मेनी थिंग्स विच गिव्स अ सर्कुलर शेडो इफ हेल्ड इन वन वे एंड रेक्टेंगुलर शेडो इफ हेल्ड इन अनदर। यानी बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं, ऐसी ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको एक तरफ रखने पर हमें वृत्ताकार छाया यानी सर्कुलर शेडो प्राप्त होती है, वहीं अगर हम दूसरी साइड से रखें तो हमें रेक्टेंगुलर यानी आयताकार छाया प्राप्त हो। फॉर एग्जाम्पल सिलेंडर और सर्कुलर डिस्क, जैसे कि आपके सिलेंडर हो गया या कोई सर्कुलर डिस्क हो गई, गोलाकार डिस्क हो। हाँ, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो एक तरह से पकड़ने पर वर्तुलाकार छाया देती है तथा दूसरी तरफ से रखने पर आयताकार छाया देती है। उदाहरण के लिए एक सिलेंडर यानी बेलन, और एक गोलाकार डिस्क। अब आपका अगला प्रश्न है, इन अ कंप्लीटली डार्क रूम इफ यू होल्ड अप अ मिरर इन फ्रंट ऑफ यू विल यू सी अ रिफ्लेक्शन ऑफ योरसेल्फ इन द मिरर। एक अंधेरे कमरे पर, एक कमरा है जो कि बिल्कुल अंधेरा है, ठीक है, उसमें यदि आप अपने सामने जो है दर्पण को रखते हैं, मिरर को रखते हैं, तो क्या आपको दर्पण में अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है, ये आपको बताएं। कोई बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहता है? अगर आप किसी अंधेरे कमरे पे हैं और आपने क्या किया, अपने सामने दर्पण रखा, तो क्या आपको अपना प्रतिबिंब दिखाई देगा? जैसी कुंभी चौर, कोई एक बच्चा खड़े होकर आंसर दीजिए। बेटा माइक ऑन कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम नहीं दिखाई देगा। वेरी गुड नदीम बेटा, ठीक है, क्यों नहीं दिखाई देगा, क्या आप इसका आंसर दे सकते हैं?
मैम क्योंकि वहाँ अंधेरा होगा इसलिए नहीं दिखाई देगा। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, सब तालियां बजाएंगे नदीम के लिए, वेरी गुड बेटा, बैठ जाएगा, वेरी गुड। तो अगर हम बात करें अंधेरे कमरे में, अगर आप अंधेरे कमरे पे जो है दर्पण के आगे खड़े होंगे तो आपको अपना प्रतिबिंब दिखाई नहीं, क्यों नहीं दिखाई देगा, क्योंकि कमरा कैसा है, अंधेरा है, उसमें रोशनी यानी प्रकाश नहीं। और आप ये जानते हैं कि जो आपकी इमेज बनती है, ठीक है, जो आपका क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, कैसे बनता है, जब आपके ऊपर प्रकाश पड़ता है। मैंने जब आपको रिफ्लेक्शन पढ़ाया था, परावर्तन पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारी जो इमेज बनती है या प्रतिबिंब बनता है दर्पण पे, वो कैसे बनता है, हम पे प्रकाश पड़ता है, ठीक है, हमारे शरीर से या हमारे जो फेस है, चेहरा है, इससे क्या होता है, प्रकाश रिफ्लेक्ट होता है, परावर्तित होता है और दर्पण पे पड़ता है, दर्पण पे पड़ता है, फिर उसका रिफ्लेक्शन होता है, परावर्तन होता है, हमारी आंखों तक वो प्रकाश पहुंचता है और हमें हमारा प्रतिबिंब दर्पण पे दिखाई दे, ठीक है। अब इस केस में कमरा कैसा है, अंधेरा है, उसमें रोशनी नहीं है, उसमें प्रकाश नहीं है, जब प्रकाश नहीं होगा, लाइट नहीं होगी, तो हमारा जो चेहरा है, ठीक है, उससे प्रकाश जो है टकराएगा नहीं, परावर्तित नहीं होगा और फिर मिरर यानी दर्पण पे नहीं पड़ेगा और दर्पण पे पड़ने के बाद भी परावर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो यही कारण है कि अंधेरे में हमें या अंधेरे कमरे में हमें अपना प्रतिबिंब दर्पण पे दिखाई नहीं देता है। क्यों नहीं दिखाई देता है, क्योंकि वहां पे लाइट नहीं, प्रकाश नहीं। नो इन अ कम्प्लीटली डार्क रूम नो इमेज विल बी फॉर्म बिकॉज देयर इज नो लाइट इन द रूम, सो नो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस एंड नो इमेज विल बी फॉर्म। यानी नहीं, जो कमरा है, अंधेरा कमरा है, उसमें आपको दर्पण पे प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उस कमरे में लाइट नहीं, प्रकाश नहीं है, जिस कारण परावर्तन नहीं होगा और दर्पण पे हमारी इमेज या प्रतिबिंब नहीं मिले। तो बच्चों, आज हमने जो आपका चैप्टर है लाइट, शेडो और रिफ्लेक्शन, इसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आपको इन क्वेश्चन को घर जाके रिवाइज करना है और किसी भी तरीके की कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी आपके मन में प्रश्न उठता है, तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस।